हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बनाई जी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट, पेज नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग ब्रह्म गुप्ताज मेथड। तो हमें इन तीनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं होते तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डिनोमिनेटर्स को सेम करना, बट यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम है। सो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, सिंपली ऐड करेंगे 2/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। सो डिनोमिनेटर सेम है सो कॉमन ले लेते हैं। सो 2 + 5 + 6 13/7। अब 13/7 को हम फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में और नहीं कर सकते क्योंकि 13/7 जो है वो खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शंस में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शंस में हम कैसे लिखते हैं? सो 7 13 से डिवाइड करो, 7 1s are 7, रिमाइंडर आ गया हमारा 6। तो जो ये पार्ट होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, 6 आएगा न्यूमरेटर में और 7 आएगा डिनोमिनेटर में। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट है 3/4 and 1/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो स्टेप 1 है डिनोमिनेटर को सेम करना। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर है 4 and 3, उसका एलसीएम होगा हमारा 12। आप कर लेना चेक, 12 आएगा। स्टेप टू है दोनों के डिनोमिनेटर्स को 12 करना। सो 3/4 12 करना है। सो 4 × 3 होता है, सो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3s are हो गया 9, 4 × 3 हो गया 12, 1/3 3 × 4 हमारा होता है 12। सो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 4 विल बी 4, 3 × 4 विल बी 12। स्टेप 3 दोनों को ऐड करो। अब 9/12 प्लस 4/12। अब हमारा 12 जो है वो कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। सो 9 + 4 आ गया हमारे पास 13/12। 13/12 क्या और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है? नहीं, 13/12 हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शंस में लिख देते हैं। सो 12 ÷ 13 है, 12 1s are 12 माइनस रिमाइंडर आया 1। सो ये 1 जाएगा इधर, ये 1 जाएगा न्यूमरेटर में, ये 12 जाएगा डिनोमिनेटर में। सो 1 1/12 दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है 2/3 and 5/6। सो स्टेप 1 टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, ये है 3 और 6, 2 3 as it is, 2 3s are 6, then 3 1s are 3, 3 1s are 3. So LCM हो गया 2 × 3 which is equal to 6. So LCM है 6. Step 2 दोनों के डिनोमिनेटर को करना है 6. So 2/3, 3 × 2 6 होता है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 हो गया 4, 3 × 2 हो गया 6. दूसरा है हमारे पास 5/6, ऑलरेडी यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है तो कुछ नहीं करना। स्टेप 3 एडिशन करना है। सो 4/6 प्लस 5/6, 6 हमारा हो गया कॉमन। सो 4 + 5 हो गया 9/6। अब हमें स्टेप 4 करना है, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सो 9/6 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? ऊपर और नीचे 3 से डिवाइड कर दो। सो 9 ÷ 3 is 3, 6 ÷ 3 विल बी 2। सो 3/2 हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शंस में कर दो, 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 1s are 2 माइनस 1। सो ये हो गया 1 1/2, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 2/3 + 2/7। स्टेप 1 एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर आप चेक करना, दोनों का एलसीएम आएगा 21। स्टेप 2 हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिससे डिनोमिनेटर 21 बन जाए। सो 3 × 7 is 21, सो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 7 विल बी 14, 3 × 7 हो गया 21। नेक्स्ट है 2/7, 7 × 3 होता है 21, सो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 विल बी 6, 7 × 3 विल बी 21। Step 3 is addition. So 14/21 plus 6/21 which is equal to 21 डिनोमिनेटर में, 14 + 6. So 14 + 6 होता है 20. So this is 20 ÷ 21. So ये हो गया 20/21. 20/21 फर्दर किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होता। So this is the answer. नेक्स्ट है 3 by 4, 1 by 3 and 1 by 5. So step 1, take the LCM of denominator. So denominator का LCM क्या आएगा? 4, 3, 5. 2 से divide करो. So 2 2s are 4, 3, 5. फिर 2 से divide करो. 2 1s are 2, 3, 5 as it is. 3 से divide करो. 3 1s are 3, 5 as it is. 5 से divide करो 1, 1, 1. So LCM is equal to 2 into 2 into 3 into 5, which is equal to 60. So LCM आ गया हमारा 60. Step 2, सबके denominators को करना है 60. So 4 into 15 होता है 60. So ऊपर भी 15 से multiply करो. 15 3s are 45 and 4 into 15 हो गया हमारा 60. Then 1 by 3, 20 से multiply करेंगे तो 60 आएगा. So ऊपर भी 20 से multiply करो. So ये हो गया 20 by 60. Then 1 by 5, 12 से नीचे multiply करो, 12 से ऊपर multiply करो. So ये हो गया 12 by 60. So अब इन तीनों को हमें करना है add. So step 3 is addition. So 45 by 60 plus 20 by 60 plus 12 by 60. So ये हो गया 60, 45 plus 20 plus 12 कितना हो गया 77 by 60. अब इसको आप mixed fractions में लिख सकते हो. So this is 77 divided by 60. So 60 ones are 60. So हमारा 17 remainder आ गया. So this will be 1 17 by 60. So this is the answer. Next है 2 by 3 and 4 by 5. Step 1 is to take the LCM of denominator. LCM of denominator आया है हमारे पास 15. आप चेक कर लेना. Step 2, 2 by 3 denominator को करना है 15. So 5 से multiply करो ऊपर और नीचे. 2 into 5 will be 10, 3 into 5 will be 15. Then है हमारे पास 4 by 5, 5 into 3 15 होता है. So 3 से ऊपर और नीचे multiply करो. 4 into 3 will be 12, 5 into 3 will be 15. Step 3, 10 by 15 और 12 by 15 को add करो. So 15 common हो गया, 10 plus 12 will be 22 by 15. इसको हम mixed fractions में लिखते हैं. So 22 divided by 15, 15 ones are 15, minus करो, remainder आ रहा है 7. सो आंसर हो गया 1 7 by 15. ठीक है. नेक्स्ट है 4 by 5 एंड 2 by 3. सो स्टेप 1, LCM ऑफ डिनोमिनेटर विल बी 15. आप चेक कर सकते हो. स्टेप 2, 4 by 5 डिनोमिनेटर को करना है 15. 5 into 3 will be 15. सो 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो. 4 into 3 हो गया 12, 5 into 3 हो गया 15. नेक्स्ट है 2 by 3, 3 into 5 15 होता है. सो 2 into 5 हो गया 10, 3 into 5 हो गया 15. स्टेप 3 इज द एडिशन. सो 12 by 15 plus 10 by 15. सो ये हो गया 12 plus 10 by 15. सो 22 by 15. 22 by 15 को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में लिखो. सो 22 15 से डिवाइड करो. सो 15 ones are 15, रिमाइंडर आता है हमारा 7. सो आंसर आ गया 1 7 by 15. ठीक है. नेक्स्ट है 3 by 5 and 5 by 8. सो स्टेप 1, टेक द LCM ऑफ डिनोमिनेटर. LCM आएगा 40. आप खुद चेक कर सकते हो. स्टेप 2, 3 by 5, 5 8s are 40. सो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये आ गया आपका 24 by 40. नेक्स्ट है 5 by 8, 8 5s are 40 होता है. सो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करो. 5 5s are 25 एंड 8 5s are 40. स्टेप 3 है एडिशन. सो 24 by 40 प्लस 25 by 40. ये हो गया 40. 24 प्लस 25 हो गया हमारा 49 by 40. 49 by 40 को मिक्स फ्रैक्शंस में लिखते हैं. सो 40 divided by 49, 40 ones are 40 minus remainder आ गया 9, so ये हो गया 1 9 by 40. नेक्स्ट है 9 बाई 2 एंड 5 बाई 4. सो स्टेप 1 है टेक द LCM. यहाँ पे LCM आएगा 4, आप खुद से चेक करना. स्टेप 2 है 9 बाई 2, इसको भी 4 बनाना है, डिनोमिनेटर को, सो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 9 2s are 18, 2 2s are 4. 5 by 4 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी 4 हो गया. स्टेप 3 है एडिशन, सो 18 by 4 प्लस 5 by 4, 4 कॉमन हो गया, सो 18 प्लस 5, सो हो गया 23 by 4. 23 by 4 को मिक्स फ्रैक्शंस में लिखते हैं, सो 23 डिवाइड by 4. 4 5s are 20, 3 इधर आ गया, सो ये हो गया 5 3 by 4. नेक्स्ट है 8 by 3 प्लस 2 by 7. सो स्टेप 1 LCM ऑफ द डिनोमिनेटर, आप यहाँ पे चेक करना, LCM आएगा 3 into 7 विच इज़ 21. ठीक है. स्टेप 2 हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है सो दैट जो डिनोमिनेटर है वो 21 हो जाए. सो 8 by 3, 3 7s are 21 होता है, सो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करो. 8 7s are 56, 3 7s are 21. देन है हमारे पास 2 by 7, 7 into 3 होता है 21, सो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो. 2 into 3 is 6, 7 into 3 is 21. Next step addition, so 56 by 21 plus 6 by 21, so 21 common denominator, so 56 plus 6, 62 by 21. देखो कॉमन कोई नंबर नहीं है जो 62 और 21 दोनों को डिवाइड कर रहा हो. सो 62 बाई 21 को मिक्स फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे? 21 डिवाइडेड बाई 62. 21 into 2 विल बी 42, सो माइनस करो, रिमाइंडर आ रहा है सो 20. सो हम लिखेंगे इसको इक्वल टू 2 20 बाई 21. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट है 3 by 4 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 5. सो स्टेप 1 है टेक द LCM, तीनों का आप LCM लो, तो आएगा 4 into 3 into 5, 60. स्टेप 2 है तीनों के डिनोमिनेटर को 60 करना है, सो 3 by 4, 4 into 15 होता है 60, सो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करो. 3 into 15, 15 3s are 45, 45 डिवाइडेड बाई 60. देन है आपके पास 1 by 3, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, सो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करो, से आ गया 20 by 60. 1 by 5, 5 into 12 60 होता है, सो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करो, सो ये हो गया 12 by 60. देन स्टेप 3 इज़ एडिशन, सो 45 by 60 प्लस 20 by 60 प्लस 12 by 60, सो 60 कॉमन डिनोमिनेटर, सो 45 प्लस 20 प्लस 12, ये हो गया 77. 77 डिवाइडेड बाई 60 मिक्स फ्रैक्शंस में लिखना है, सो ये हो गया 60, रिमाइंडर आ गया 17. सो इसको हम लिख सकते हैं 117 बाई 60. दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट है 2 by 3 प्लस 4 by 5 प्लस 3 by 7. सो स्टेप 1 इज़ टू टेक द LCM ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे LCM आएगा 3 into 5 into 7 विच इज़ इक्वल टू 105. नेक्स्ट स्टेप है सबके डिनोमिनेटर्स को 105 बनाना है, सो 3 into 35 विल बी 105, सो ऊपर भी 35 से मल्टीप्लाई करो, सो ये हो गया 70 by 105. नेक्स्ट है 4 by 5, 5 into 21 विल बी 105, सो ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई करो. 4 into 21 हो गया 84 डिवाइडेड बाई 105. नेक्स्ट है 3 by 7, 7 into 15 होता है 105, सो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करो. 3 into 15 is 45 डिवाइडेड बाई 105, सो ये हमें मिल गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. थर्ड स्टेप इज़ टू डू द एडिशन, सो 70 by 105 प्लस 84 by 105 प्लस 45 by 105. सो 105 कॉमन डिनोमिनेटर, 70 प्लस 84 प्लस 45 ऐड करो, 199 by 105. कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो ऊपर और नीचे डिवाइड करे। सो इसको मिक्स फ्रैक्शंस में लिख लेते हैं। सो 105 199 को डिवाइड करना है। सो 105 माइनस करो। सो ये आया 4, दिस इज 9, रिमाइंडर आ गया 94। सो आंसर हो गया 194/105। नेक्स्ट है 9/2, 5/4, 7/6। सो स्टेप 1 है टू टेक द LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स का LCM लो। सो हमारे पास है 2,4,6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। देन अगेन 2 से डिवाइड करो। सो 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़। सो 3 से डिवाइड होगा 1 1 1। सो LCM हो गया हमारा 2 × 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू 12. So LCM is 12. Second step, 9/2, denominator को 12 करना है। So 6 से multiply करो। 9 6 are 54. So 54, 2 × 6 will be 12. Then 5/4, 4 × 3 is 12. So ऊपर भी 3 से multiply करो। 5 3s are 15, 4 3s are 12. देन है 7/6, 6 × 2 होता है 12। सो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। 7 2s are 14, 6 2s are 12। सो अब नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप है एडिशन। सो 54/12 प्लस 15/12 प्लस 14/12, 12 हमारा हो गया कॉमन। सो 54 प्लस 15 प्लस 14 विच इज़ इक्वल टू 83/12। कोई कॉमन नंबर है जो ऊपर और नीचे डिवाइड होता है नहीं है। सो 83 को 12 से डिवाइड करते हैं। 12 6 are 72, माइनस करो। सो ये आया हमारा 11। सो आंसर क्या हो गया 6 11/12। ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, तो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।